गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है प्रकाश के बारे में। जैसा कि ऑप्टिक्स के डिफिनेशन में बताया गया था, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि प्रकाश क्या होता है। आपको मालूम होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिससे क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। तो आज जो पढ़ना हमें ये क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति पढ़ना है। तो प्रकाश की प्रकृति में जो है, आप कुछ प्रकृति के बारे में अच्छा जैसे पढ़ के आए हैं और कुछ प्रकृति के बारे में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। जो कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं उसको तो पढ़ना नहीं है, जो कक्षा 12 में पढ़ना है वो क्या है, आपका व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण है। तीन टॉपिक आपको कक्षा 12 में पढ़ना है। क्लियर ना। सबसे पहले आपको हमें बताना है प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहला एक होता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रैक्टिकल आप कक्षा 10 में किए थे, दो टार्चों वाली लाइट से आप किए थे कि दोनों टार्चों को जब एक साथ जलाया जाता है तो दोनों जो प्रकाश होते हैं एक दूसरे के क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। यानी इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा टॉपिक आपको बताना है प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। ये भी आप अच्छा से पढ़े हैं, प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर गिरती है तो उसी माध्यम में किसी कोण पे क्या होती है, वो वापस हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तक कहते हैं। तीसरा आपको बताना है कि प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है। यानी क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यानी क्या होता है, प्रकाश कहीं भी चल सकता है। इसके बाद आपको बताना है प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। आपको मालूम है कि प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। यानी क्या होता है, ये भी गुण होता है प्रकाश का, वर्ण विक्षेपण का, कि जब प्रकाश की किसी प्रिज्म में पड़ती है तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं सात रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरणों का सात रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर। इसके बाद आपको बताना है, ये मेन टॉपिक आपका है, आप कैमरे की तरफ ध्यान देंगे ना महेंद्र सर। इसके बाद देखिए प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, यही ना। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, जब दो प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं एक नई तरंग उत्पन्न होती है। उस नई प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होगा, तो आप बताएंगे व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। आपसे पूछा जाएगा संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो आप बताएंगे संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जिस बिंदु पे व्यतिकरण के बाद क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है वहां पे क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम होती है, वहां पे क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। क्लियर। अब आपको बताना है व्यतिकरण के बाद विवर्तन क्या होता है। विवर्तन होने का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें चलती हैं उनके मार्ग में कोई छोटा सा तुच्छ क्या होता है, कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं तो प्रकाश किरणें क्या होती है, आंशिक रूप से क्या होती है, मुड़ जाती है। इन्हीं प्रकाश किरणों का आंशिक रूप से जो मुड़ना होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर। यानी और विवर्तन तभी होगा जब अवरोध जो होगा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। यानी क्या होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होगा, छोटा होगा तो विवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर बड़ा अवरोध उत्पन्न कर देंगे तो विवर्तन की घटना नहीं घटेगी। क्लियर। आगे आपको बताना है प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, जब सामान्य प्रकाश होता है तो क्या होता है, किसी भी सोर्स से अगर प्रकाश निकलता है तो सभी दिशाओं में क्या होता है, संपादित हो जाता है। यानी क्या होता है, सभी दिशाओं में चला जाता है। यानी क्या होता है, जो उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं क्या होते हैं, सभी दिशाओं में जाते हैं। कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश जो है सभी दिशाओं में ना होकर कहाँ जाए, किसी एक दिशा में जाए, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण के लिए दो कंडीशन होती है, एक क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है, एक क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश। अब आपको जानना होगा कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश आप जानेंगे, जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होते हैं सभी दिशाओं में ना होकर किसी एक दिशा में सम्मित हो जाता है, तब
ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अगला आपको बताना है क्या होता है अध्रुवित प्रकाश, क्या होता है यानी क्या होता है? जब किसी सोर्स या स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें या उनके वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक दिशा में सम्मिलित ना होकर सभी दिशाओं में चलते हैं या सभी दिशाओं में सम्मिलित होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? आप अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्लियर? आज इतना ही।